फिर से आ चुका हूँ आपके लिए बॉक्स फुल ऑफ स्टेशनरी कलेक्शन का वीडियो लेके गाइस। और आज है गाइस इस बॉक्स में एक तरफ डोरेमोन स्टेशनरी और एक तरफ है यूनिकॉर्न स्टेशनरी। और इन दोनों स्टेशनरी में देखेंगे सबसे अच्छी स्टेशनरी आइटम किसकी है, डोरेमोन की सबसे ज्यादा अच्छी स्टेशनरी है या फिर यूनिकॉर्न की। प्लीज बिना स्किप करें पूरी वीडियो एंड तक देखना, फिर आप मुझे बताना आपको इन दोनों स्टेशनरी आइटम में सबसे अच्छी स्टेशनरी आइटम आपको कौन सी लगी गाइस। वीडियो अच्छा लगे तो कर देना वीडियो को लाइक दोस्तों, और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच फैमिली की तरफ से। तो चलो फटाफट इस बॉक्स को खाली करते देखते हैं हमारे पास कैसी यूनिकॉर्न स्टेशनरी है और कैसे डोरेमोन स्टेशनरी आइटम है। तो चलो फटाफट इस बॉक्स में सबसे पहले हमें मिलता है एक बहुत ही प्यारा बहुत ही सुंदर सा एक डोरेमोन का बॉक्स। देख सकते हो कितना प्यारा बॉक्स है और इस बॉक्स में हमें क्या मिलेगा। तो चलो फटाफट ओपन करते हैं, निकालते हैं बॉक्स से ये क्या चीज है। तो इसके अंदर मिलती है हमें डोरेमोन की स्टेपलर पिन। और वाह, ये तो बहुत ही प्यारी चीज है दोस्तों, बहुत ही यूनिक चीज मिल गई इस बॉक्स के अंदर, डोरेमोन की स्टेपलर पिन मिल गई। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं इस बॉक्स में क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में ये देखो दोस्तों हमें मिलता है एक यूनिकॉर्न का सेट, देख सकते हो काफी प्यारा सेट है। और ये क्या है, ये तो है एक वैक्यूम क्लीनर। और वह यूनिकॉर्न का वैक्यूम क्लीनर मिल जाता है इस बॉक्स के अंदर। यहां देख सकते हो पुश लिखा है, इस पुश बटन को दबाएंगे तो ऊपर वाले ढक्कन ओपन हो जाएगा, फिर यहां हम बैटरी अपनी डालेंगे, फिर दोस्तों ये वैक्यूम क्लीनर चालू हो जाएगा। तो आपको ये यूनिकॉर्न का वैक्यूम क्लीनर कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं इस बॉक्स में क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में ये देखो दोस्तों हमें मिलता है एक बहुत ही प्यारी सी पेंसिल, डोरेमोन की पेंसिल है, देख सकते हो कितनी जबरदस्त पेंसिल, और पूरी पेंसिल के ऊपर डोरेमोन की फोटो छपी है और गोल्ड वुडन एचवी पेंसिल मिल जाते हैं इस बॉक्स के अंदर। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में हमें मिलता है एक यूनिकॉर्न की इरेजर, काफी अच्छी इरेजर मिलती है। और ये इरेजर देखो दोस्तों रेनबो लुक में, और काफी मोटी इरेजर है और काफी लंबी इरेजर है और पेंसिल की तरह दोस्तों इरेजर है। तो आपको ये रेनबो वाली इरेजर कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं इस बॉक्स में क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में ये देखो दोस्तों हमें मिलता है डोरेमोन का पेंसिल शार्पनर, देख सकते हो कितना जबरदस्त ये पेंसिल शार्पनर है। इधर हमें होल मिलता है, इस होल में पेंसिल को डालेंगे फिर पेंसिल को शार्प करेंगे, सारा कूड़ा दोस्तों इस वाले कंटेनर में जमा हो जाएगा, फिर इस कंटेनर को हम कुछ इस तरह से निकालेंगे फिर पेंसिल का सारा कूड़ा फेंकेंगे। तो आपको ये डोरेमोन का शार्पनर कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। साइड रखते हैं और देखते हैं इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में ये देखो दोस्तों हमें ये क्या मिला, ये क्या, ये तो है एक यूनिकॉर्न का पेंसिल शार्पनर और ये है एक इलेक्ट्रिक पेंसिल शार्पनर। यहां हम पेंसिल डालेंगे फिर पेंसिल को रखेंगे, ऑटोमेटिक ये शार्प करने लगेगी हमारी पेंसिल को। यहां देख सकते हो हमें एक बटन मिलता है, इस बटन से हम अपने शार्पनर की स्पीड को सेट भी कर सकते हैं। देख सकते हो नीचे दोस्तों हमें बैटरी कंपार्टमेंट मिलता है, इस ढक्कन को खोलेंगे फिर हम अपनी बैटरी को लगा लेंगे फिर ये शार्पनर चालू हो जाएगा। देख सकते हो काफी जबरदस्त शार्पनर मिल गया, इलेक्ट्रिक पेंसिल शार्पनर मिल गया इस बॉक्स के अंदर। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं इस बॉक्स में क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में ये देखो दोस्तों हमें मिलते हैं एक जंपिंग रूप, वो भी डोरेमोन की, देख सकते हो कितनी प्यारी जंपिंग रूप है दोस्तों डोरेमोन की। और ये देखो दोस्तों इसकी रस्सी कितनी मोटी रस्सी है दोस्तों, काफी अच्छी जंपिंग रूप मिल गई डोरेमोन की, जंपिंग रूप मिल गई दोस्तों। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं इस बॉक्स में क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में ये देखो दोस्तों हमें मिलता है एक यूनिकॉर्न का सेट और इस सेट में देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो चलो ओपन करते हैं। तो इस सेट में देखो दोस्तों हमें मिलता है मिरर और इधर देखो दोस्तों हमें कंघा मिलता है। और इस कंघे को कैसे यूज करेंगे, तो नीचे से दोस्तों इस कंघे को दबाएंगे फिर कंघा बाहर आ जाएगा, फिर हम इस कंघे को यूज कर सकते हैं। देख सकते हो कितना जबरदस्त ये मिरर और कंघा सेट है, आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। साइड रखते हैं और देखते हैं इस बॉक्स में क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में ये देखो दोस्तों हमें मिलती है एक डोरेमोन की बहुत ही प्यारी सी एक डायरी, देख सकते हो कितनी प्यारी डायरी है और इस डायरी में काफी सारे पेजेस मिल जाते हो, सारे पेज पे देख सकते हो डोरेमोन की फोटो छपी है, देख सकते हो काफी अच्छी डायरी मिल गई डोरेमोन की। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं इस बॉक्स में क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में हमें मिलता है एक यूनिकॉर्न हाईलाइटर सेट, और वो काफी जबरदस्त हाईलाइटर है, यूनिकॉर्न वाले हाईलाइटर मिल जाते हैं। फटाफट निकालते पैकेट से, देखते हाईलाइटर कैसे और इनकी टिप कैसी है। तो निकाला एक हाईलाइटर को और ये देखो दोस्तों कितना जबरदस्त हाईलाइटर है, यूनिकॉर्न वाला हाईलाइटर और ढक्कन
दुकान ओपन किया और ये देखो दोस्तों टिप कितनी अच्छी है और ये देखो दोस्तों कितना अच्छा चल रहा है हाईलाइटर। तो आपको ये यूनिकॉर्न हाईलाइटर सेट कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। जो साइड रखते हैं और देखते हैं इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में हमें मिलता है एक डोरेमोन का करेक्शन टेप और इसके अंदर हमें 8 मीटर की करेक्शन टेप मिलेगी। देख सकते हो कितनी जबरदस्त करेक्शन टेप मिल जाती है डोरेमोन की इस बॉक्स के अंदर। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं इस बॉक्स में क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में ये देखो दोस्तों हमें मिलता है एक यूनिकॉर्न का पैन और इस पैन में देखो दोस्तों हमें कितने सारे रिफिल मिलते हैं। चलो काउंट करते हैं कितने रिफिल मिलते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 रिफिल मिल जाते हैं इस यूनिकॉर्न पैन के अंदर। ये तो काफी जबरदस्त पैन है और ये देखो दोस्तों टिप कितनी जबरदस्त है। तो आपको ये यूनिकॉर्न की 10 रिफिल वाला पैन कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं इस बॉक्स में क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में हमें मिलता है एक डोरेमोन का पैन और इस पैन में तो दोस्तों हमें ओनली 6 ही रिफिल मिलेगी। देख सकते हो बट काफी अच्छा पैन है डोरेमोन का पैन मिल जाता है इसके अंदर 6 रिफिल वाला और यूनिकॉर्न का पैन मिलता है हमें 10 रिफिल वाला। आपको सबसे अच्छा पैन कौन सा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आपको 10 रिफिल वाला पैन ज्यादा अच्छा लग रहा है या फिर 6 रिफिल वाला पैन ज्यादा अच्छा लगा दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। साइड रखते हैं और देखते हैं इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में हमें मिलती है एक बहुत ही प्यारी और बहुत ही सुंदर सी डोरेमोन की पेंसिल पाउच और इस पेंसिल पाउच पे देख सकते हो डोरेमोन 3D लुक में बना। देख सकते हो काफी जबरदस्त पेंसिल पाउच है। चलो जिप ओपन करते हैं देखते कितना स्पेस है और कितना स्टेशनरी आइटम आ जाएगा इस डोरेमोन पेंसिल पाउच के अंदर। तो इसे ओपन किया तो इसके अंदर का इंटरफेस देख सकते हो काफी अच्छा। यहां देख सकते हो हमें एक ही पॉकेट मिलता है देख सकते हो और काफी अच्छा स्पेस है काफी सारे स्टेशनरी आइटम आ जाएगा। नेट वाला पॉकेट मिल जाता है और इधर देखो हमें 1, 2, 3, 4 पॉकेट और मिलते हैं जिसमें हम पेन पेंसिल को घुसा के रख सकते हैं। इस वाले कंपार्टमेंट को हटाते इधर भी हमें कंपार्टमेंट मिलता है इसमें भी काफी अच्छा स्पेस है काफी सारे स्टेशनरी आइटम आ जाएगा। तो आपको डोरेमोन का पेंसिल पाउच कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो साइड रखते हैं अब देखते हैं दोस्तों यूनिकॉर्न का पेंसिल पाउच ये कैसा पेंसिल पाउच है। तो ये देखो दोस्तों इसके ऊपर गाइस हमें एक बहुत ही प्यारा सा यूनिकॉर्न मिल जाता है और ये यूनिकॉर्न तो 360 रोटेट भी हो रहा है और इस यूनिकॉर्न को हटाया तो इसके अंदर मिलता हमें मिरर। अरे वाह पेंसिल पाउच में दोस्तों हमें मिरर मिल गया। चलो जिप ओपन करते हैं जिप भी देख सकते हो कितनी मोटी है। जिप ओपन करा और इसके अंदर का इंटरफेस देखते कैसा है। तो इसके अंदर का इंटरफेस देखो दोस्तों कितना अच्छा है और इसमें हमें दो पॉकेट मिलते हैं। डोरेमोन पेंसिल पाउच में हमें एक ही पॉकेट मिला था और ये देख सकते हो छोटा पॉकेट है काफी बड़ा पॉकेट है। नेट वाले पॉकेट मिल जाते हैं दोस्तों और इधर देखो हमें 1, 2, 3, 4, 5 पॉकेट और मिलते हैं जिसमें हम पेन पेंसिल को घुसा के रख सकते हैं। इस वाले सेक्शन को हटाते हैं तो ये देखो दोस्तों इधर भी हमें कंपार्टमेंट मिलता है इसमें भी काफी अच्छा स्पेस है काफी सारे स्टेशनरी आइटम आ जाएगा। तो आपको ये यूनिकॉर्न का पेंसिल पाउच कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। साइड रखते हैं और देखते हैं इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में ये देखो दोस्तों हमें मिलता है डोरेमोन के क्रियॉन्स कलर। अरे वाह तो फटाफट निकाला बॉक्स से और ये देखो दोस्तों कितने जबरदस्त क्रियॉन्स कलर काफी प्यारे क्रियॉन्स कलर मिल जाते हैं। साइज की बात करें साइज भी काफी अच्छे इन क्रियॉन्स कलर के। चलो साइड रखते और देखते इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में ये देखो दोस्तों हमें मिलता है एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर सा पाउच और इस पाउच के ऊपर हमें एक स्ट्रिप मिलता है इसे पकड़ के काफी अच्छे से चल सकते हैं। चलो जिप ओपन करते देखते हैं दोस्तों इसमें कितना स्पेस है और कितना स्टेशनरी आइटम आ जाएगा। तो इसे ओपन किया तो इसके अंदर देखो दोस्तों हमें क्या मिली हैंड फ्री मिली यूनिक कौन की दोस्तों। अरे वाह ये तो बहुत ही जबरदस्त पाउच है काफी अमेजिंग हैंड फ्री मिल गई दोस्तों यूनिकॉर्न की देख सकते हो काफी जबरदस्त और ये पाउच भी काफी अच्छा है। ये मेटल का दोस्तों पाउच है काफी प्यारा पाउच मिल गया और काफी प्यारी हैंड फ्री भी मिल गई इस बॉक्स के अंदर। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं इस बॉक्स में क्या मिलता है कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में ये देखो दोस्तों हमें मिलती है एक डोरेमोन की ज्योमेट्री बॉक्स और इस ज्योमेट्री बॉक्स के ऊपर हमें 1, 2, 3, 4, 5 बटन मिलता है। इन पांचों बटन का कलर बिल्कुल अलग अलग है। उससे पहले ढक्कन ओपन करते हैं देखते हैं कितना स्पेस है। ढक्कन ओपन किया तो यहां देख सकते हो एक कंपार्टमेंट मिलता है। इस कंपार्टमेंट में हमें पेंसिल लॉक मिलता है जिसमें हम अपनी 5 पेंसिल को लॉक करके रख सकते हैं। चलो अब इन पांचों बटन का यूज देखते हैं। तो येलो बटन को दबाया तो येलो बटन को दबाते ही शार्पनर ऊपर आ गया। ग्रीन बटन को दबाते ग्रीन बटन को दबाया तो ये देखो दोस्तों कैलेंडर बाहर हो गया और यहां से हम अपने कैलेंडर को चेंज भी कर सकते हैं। चलो तीसरे बटन को दबाते हैं यानी रेड बटन को दबाते हैं। रेड बटन को दबाते एक छोटा सा पार्टन भारत है जिसमें हम अपनी छोटी छोटी स्टेशनरी आइटम रख लेंगे। चलो पिंक बटन को दबाते पिंक बटन को दबाया तो ढक्कन ओपन हो गया। तो इस ज्योमेट्री बॉक्स में हमें रूम टेम्परेचर थर्मामीटर भी मिल जाता है। और ये बहुत ही प्यारी ज्योमेट्री बॉक्स है। चलो ब्लू बटन को दबाते हैं ब्लू बटन को दबाया तो नीचे से कंपार्टमेंट बाहर आता है। ये तो वही कंपार्टमेंट है जो हमें ढक्कन खोलने के बाद मिला था दोस्तों यानी हमें ढक्कन खोलने की जरूरत ही नहीं है। बस ब्लू बटन को दबाएंगे और कंपार्टमेंट बाहर फिर जोन से स्टेशनरी आइटम निकालनी है वो निकाल लेंगे। ये तो बहुत ही प्यारी ज्योमेट्री बॉक्स है। चलो पीछे वाला ढक्कन ओपन करते देखते कि
स्पेस है, पीछे वाला ढक्कन ओपन किया पीछे भी हमें एक कंपार्टमेंट मिलता है, पीछे वाले कंपार्टमेंट में काफी अच्छा स्पेस है, काफी सारे क्षेत्रीय आइटम आ जाएगा। तो आपको डोरेमोन की 5 बटन वाली ज्योमेट्री बॉक्स कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। जो साइड रखते और देखते इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में हमें मिलता है एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर सा एक यूनिकॉर्न की ज्योमेट्री बॉक्स। और इस ज्योमेट्री बॉक्स में देखो दोस्तों कितने सारे कलरफुल थर्मोकोल बॉल्स भरे हैं जो काफी अट्रैक्टिव बना रहे इस ज्योमेट्री बॉक्स को। चलो ढक्कन ओपन करते देखते कि नई स्पेस है। ढक्कन ओपन किया तो यहां देखो दोस्तों हमें 1, 2, 3 सेक्शन मिलते हैं और एक सेक्शन में हमें पेंसिल लॉक मिलता है जिसमें हम अपनी 5 पेंसिल को लॉक करके रख सकते हैं। और ये देखो दोस्तों इसमें मिलता है हमें एक पेंसिल शार्पनर, काफी अच्छा पेंसिल शार्पनर मिल जाता है। चल पीछे वाला ढक्कन ओपन करते देखते कि नई स्पेस है। पीछे वाला ढक्कन ओपन किया पीछे भी हमें एक कंपार्टमेंट मिलता है, पीछे वाले कंपार्टमेंट में भी काफी अच्छा स्पेस है, काफी सारे क्षेत्रीय आइटम आ जाएगा दोस्तों। चल साइड रखते हैं और देखते हैं इस बॉक्स में क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में ये देखो दोस्तों हमें मिलता है एक स्कूटर, और डोरेमोन का स्कूटर मिलता है, देख सकते हो कितना जबरदस्त स्कूटर है। और ये स्कूटर नहीं है, ये है स्कूटर लुक में एक बहुत ही प्यारा सा पेंसिल शार्पनर। यहाँ देख सकते हो होल मिलता है, होल में से पेंसिल डालेंगे, पेंसिल को शार्प करेंगे, सारा कूड़ा कहां जाएगा तो सारा कूड़ा दोस्तों स्ट्रे में जाएगा। और ये देखो दोस्तों है ना काफी जबरदस्त ट्रे, काफी अच्छा स्पेस भी है। तो आपको ये स्कूटर वाला पेंसिल शार्पनर कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। जो साइड रखते हैं और देखते हैं इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में हमें मिलती है एक डोरेमोन की ज्योमेट्री बॉक्स, देख सकते हो कितनी प्यारी ज्योमेट्री बॉक्स है। चलो ढक्कन ओपन करते देखते कि नई स्पेस है। ढक्कन ओपन किया तो यहां देखो दोस्तों हमें 1, 2, 3, 4, 5 पेंसिल लॉक मिलते हैं। 4 पेंसिल लॉक में मैंने अपनी पेंसिल लॉक करके रख रखी है, ऐसे ही आप भी अपनी पेंसिल को लॉक करके रख सकते हो। स्पेस देख सकते हो काफी अच्छा है दोस्तों। चलो करते पीछे वाला ढक्कन ओपन करते हैं तो इस ज्योमेट्री बॉक्स में हमें पीछे कोई भी ढक्कन नहीं मिलता है, वो क्यों चलो आगे दिखाऊंगा। उससे पहले देखो दोस्तों यहां हमें एक ढक्कन मिलता है, ढक्कन को खोला तो इधर देखो दोस्तों हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 बटन मिलते हैं। इन 6 बटन का यूज देखते हैं तो पहले बटन को दबाया तो शार्पनर ऊपर आ गया, देख सकते हो सेकंड बटन को दबाया तो ये देखो दोस्तों रूम टेम्परेचर बाहर आ गया। इस ज्योमेट्री बॉक्स में भी हमें रूम टेम्परेचर थर्मामीटर मिल जाता है। चलो तीसरे बटन को दबाया तो नीचे से कंपार्टमेंट बाहर आता है, ये देख सकते हो है ना काफी अच्छा स्पेस, काफी सारे क्षेत्र आइटम आ जाएगा। चलो फोर्थ बटन दबाते तो ये देखो दोस्तों नीचे से ग्लास बाहर आता है और इस ज्योमेट्री बॉक्स में हमें मैग्नीफाई ग्लास भी मिल जाता है। फिफ्थ बटन को दबाया तो कुछ भी नहीं हुआ। चलो सिक्स बटन दबाते तो ये देखो दोस्तों एक छोटा सा कंपार्टमेंट बाहर आता है जिसमें हम अपनी छोटी छोटी स्टेशनरी आइटम रख लेंगे। फिफ्थ बटन क्यों नहीं यूज हुआ तो चलो आगे दिखाता हूं, ढक्कन ओपन करना पड़ेगा पहले फिर जाके दोस्तों हम फिफ्थ बटन दबाएंगे और हमारा कंपार्टमेंट बन गया एक ब्रिज लुक में। नीचे हमें एक हिडन कंपार्टमेंट मिलता है जिसमें हम अपनी मनी छुपा के रख सकते हैं, देख सकते हो काफी जबरदस्त ज्योमेट्री बॉक्स है दोस्तों। चलो साइड रखते और देखते इस बॉक्स में क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में ये देखो दोस्तों हमें मिलता है एक यूनिकॉर्न का पिगी बैंक, देख सकते हो कितना जबरदस्त पिगी बैंक है। और इसके अंदर देखो दोस्तों कितने सारे थर्मोकोल बॉल्स भरे मिलते हैं। और यहां देखो दोस्तों हमें लॉक मिलता है, इस लॉक का पासवर्ड क्या है 00 सेट कर दिया, ढक्कन ओपन कर दिया और ये देखो दोस्तों इसकी गहराई काफी अच्छी है, काफी सारा मनी आ जाएगा और यहां से दोस्तों हम मनी को डालेंगे। और सबसे अच्छी बात है हम कहीं जा रहे हैं तो इस पिगी बैंक को भी साथ ले जा सकते हैं क्योंकि इसमें काफी अच्छी क्वालिटी का हमें हैंडल मिल जाता है, देख सकते हो काफी जबरदस्त ये पिगी बैंक है। चलो साइड रखते और देखते इस बॉक्स में क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में ये देखो दोस्तों हमें मिलती है डोरेमोन की ज्योमेट्री बॉक्स, ये भी बहुत ही प्यारी ज्योमेट्री बॉक्स है। और इस ज्योमेट्री बॉक्स में दो दो शार्पनर मिलता है, एक छोटा शार्पनर मिलता है एक बड़ा शार्पनर मिलता है। छोटा शार्पनर होता है हमारी कलर पेंसिल को शार्प करने के लिए और बड़ा शार्पनर होता है हमारी एचबी पेंसिल को शार्प करने के लिए। चलो ढक्कन ओपन करते देखते कितना स्पेस है। ढक्कन ओपन किया तो यहां देख सकते हो एक कंपार्टमेंट है, इस कंपार्टमेंट की है काफी अच्छा, इस कंपार्टमेंट हमें 1, 2, 3, 4, 5 पेंसिल लॉक मिलता है, स्पेस काफी अच्छा, काफी सारे स्टेशनरी आइटम आ जाए। पीछे वाला ढक्कन ओपन करते देखते कि नई स्पेस है। पीछे वाला ढक्कन ओपन किया पीछे भी हमें कंपार्टमेंट मिलता है, पीछे वाले कंपार्टमेंट में हमें टेबल देखने को मिल जाते हैं। स्पेस की बात करें स्पेस भी काफी अच्छा, डोरेमोन की ज्योमेट्री बॉक्स है। और देखते इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में हमें मिलते एक यूनिकॉर्न की मिनी जंबो ज्योमेट्री बॉक्स, ये भी बहुत ही प्यारी जंबो ज्योमेट्री बॉक्स है। और ये देखो दोस्तों इस ज्योमेट्री बॉक्स में हमें दो दो शार्पनर भी मिल जाता है। चलो ढक्कन ओपन करते हैं, ढक्कन ओपन किया तो यहां देखो दोस्तों हमें कितना बड़ा कंपार्टमेंट मिलता है। इस कंपार्टमेंट में दो सेक्शन है, एक सेक्शन में हमें पेंसिल लॉक मिलता है जिसे हम अपनी 5 पेंसिल को लॉक करके रख सकते हैं। पीछे वाला ढक्कन ओपन करते देखते कितना स्पेस है। पीछे वाला ढक्कन ओपन किया पीछे भी हमें कंपार्टमेंट मिलता है, पीछे वाले कंपार्टमेंट में काफी अच्छा स्पेस है, काफी सारे क्षेत्रीय आइटम आ जाएगा। तो आपको ये यूनिकॉर्न की मिनी जंबो ज्योमेट्री बॉक्स कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। जो साइड रखते और देखते इस बॉक्स में क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में हमें मिलता है एक और बहुत ही प्यारी सी यूनिकॉर्न की पेंसिल पाउच, और इस पेंसिल पाउच में देखो दोस्तों हमें कितना बड़ा लॉक मिलता है। और इस लॉक का क्या यूज है तो ये देखो
दोस्तों जिप, इस जिप को दोस्तों हम इस लॉक के अंदर लगा देंगे, फिर हमारी जिप कोई भी नहीं खोल सकता है ना। काफी जबरदस्त दोस्तों, काफी अमेजिंग लॉक दोस्तों। चलो जिप ओपन करते देखते इसके अंदर कितना स्पेस है और कितना स्टेशनरी आइटम आ जाएगा। तो जिप को ओपन किया तो इसके अंदर का इंटरफेस देखो दोस्तों कितना जबरदस्त है। यहाँ हमें एक पॉकेट मिलता है जिसमें हम अपने काफी सारे स्टेशनरी आइटम रख सकते हैं। नेट वाला पॉकेट मिल जाता है, यहाँ देख सकते हो हमें 1 2 3 4 पॉकेट मिलते हैं जिसमें हम पेन पेंसिल को घुसा के रख सकते हैं। इस कंपार्टमेंट को हटाते हैं तो नीचे वाले कंपार्टमेंट की गहराई देख सकते हो कितनी अच्छी, काफी सारा हमारे स्टेशनरी आइटम आ जाएगा। ये देख सकते हो मेरी ये ज्योमेट्री बॉक्स आ गई, देख सकते हो ये काफी लंबी है इसीलिए आ नहीं रही, छोटी ज्योमेट्री बॉक्स होगी तो बहुत ही इजिली से आ जाएगी। स्पेस काफी अच्छा है, काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में ये देखो दोस्तों हमें मिलती है एक डायरी, और ये डायरी नहीं है, ये है ड्राइंग बुक डोरेमोन की। ये तो बहुत ही प्यारी ड्राइंग बुक मिल गई दोस्तों डोरेमोन की। चल साइड रखते और देखते इस बॉक्स में क्या मिलता है कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में ये देखो दोस्तों हमें मिलता है एक यूनिकॉर्न का पेन, देख सकते हो कितना जबरदस्त पेन है। और ये देखो दोस्तों टिप है ना, काफी प्यारा पेन दोस्तों यूनिकॉर्न का। चल साइड रखते और देखते इस बॉक्स में क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में हमें मिलता है एक यूनिकॉर्न की ज्योमेट्री बॉक्स, ये भी बहुत ही प्यारी ज्योमेट्री बॉक्स है। यहाँ देख सकते हो कंपार्टमेंट है, इस कंपार्टमेंट काफी अच्छा स्पेस है, इस कंपार्टमेंट में हमें टेबल देखने को मिल जाते हैं। स्पेस की बात करें स्पेस भी काफी अच्छा है। पीछे वाला ढक्कन ओपन करते हैं देखते हैं कितना स्पेस है। पीछे वाला ढक्कन ओपन किया तो इधर देखो दोस्तों हमें एक कंपार्टमेंट मिलता है, इस कंपार्टमेंट में हमें 1 2 3 4 5 पेंसिल लॉक भी मिल जाता है। और पेंसिल लॉक देखो दोस्तों हमारी ज्योमेट्री बॉक्स के साथ अटैच है बिल्कुल अच्छे से, यहां देख सकते हो दो दो शार्पनर भी मिल जाता है। चलो साइड रखते और देखते इस बॉक्स से हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स से हमें मिलते एक यूनिकॉर्न की ज्योमेट्री बॉक्स, ये भी बहुत ही प्यारी ज्योमेट्री बॉक्स है। चलो ढक्कन ओपन करते देखते कितना स्पेस है। ढक्कन ओपन किया तो यहां देखो दोस्तों ढक्कन में हमें एक बहुत ही बड़ा पॉकेट मिलता है जिसमें हम अपना पूरा क्लास शेड्यूल लिख के रख सकते हैं, हम भी लिख सकते हैं क्लास भी लिख सकते हैं। यहां देख सकते हो 1 2 3 3 सेक्शन मिलता है, एक सेक्शन में हमें पेंसिल लॉक मिलता है। और पेंसिल लॉक देखो दोस्तों कितनी अच्छी क्वालिटी का मिलता है जिसमें हम अपनी 5 पेंसिल को लॉक करके रख सकते हैं। स्पेस भी काफी अच्छा है, काफी सारे स्टेशनरी आइटम आ जाएगा। और इस ज्योमेट्री बॉक्स में देखो दोस्तों हमें कितना अच्छा पेंसिल शार्पनर भी मिलता है, देख सकते हो कमोड लुक में पेंसिल शार्पनर मिल जाता है। यहां से पेंसिल डालेंगे, पेंसिल को शार्प करेंगे, सारा कूड़ा दोस्तों इसमें जमा हो जाएगा, फिर नीचे से ढक्कन खोलेंगे, फिर पेंसिल का सारा कूड़ा फेंक देंगे। स्पेस है, पीछे ढक्कन ओपन किया, पीछे भी हमें कंपार्टमेंट मिलता है, पीछे वाले कंपार्टमेंट की काफी अच्छे, काफी सारे स्टेशनरी आइटम आ जाएगा। तो आपको ये यूनिकॉर्न की ज्योमेट्री बॉक्स कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। जो साइड रखते और देखते इस बॉक्स में क्या मिलता है कैसी चीज मिलती है। तो बॉक्स हो गया खाली, इस बॉक्स में दोस्तों आज हमें मिले एक से बढ़कर एक स्टेशनरी आइटम। आपको डोरेमोन स्टेशनरी ज्यादा अच्छी लगी या फिर आपको यूनिकॉर्न स्टेशनरी ज्यादा अच्छी लगी ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो कर देना वीडियो को लाइक दोस्तों। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से, वीडियो के साथ अच्छे से, कलेक्शन के साथ अच्छे से, अनबॉक्सिंग के साथ। जब तक बाय बाय दोस्तों।